दोस्तों इस समय आए हुए हैं वेस्ट इंडीज, और देखिए वेस्ट इंडीज के कुछ लोग हमें समुद्र के किनारे मिल गए हैं घूमते हुए, और ये भी, और ये लग रहे हैं मुझे इंग्लैंड से आए हुए हैं, और ये वेस्ट इंडीज की वेशभूषा में डांस करते हुए यहाँ पे, और सर पे हेड लगा रखा है जैसे वेस्ट इंडीज में लगाते हैं ना लोग, इस टाइप के। यू सर, यू सर, चलिए सर, चलिए दोस्तों, और हम चलते हैं बोट पे। दोस्तों इस समय हम खड़े हैं गुरुगढ़ डैम पर, और इस समय बोटिंग के लिए हम हो गए हैं तैयार। ये देखिए मैंने पहन ली जैकेट, और उधर जयपाल राणा जी, प्रेमदा और संदीप भाई, उधर आसिफ भाई, और ये हमारे पूरी भाई, सब लोग तैयार हो गए। और मैंने तो देखिए जबरदस्त पहनी एकदम जैकेट, ये देखिए, और ये देखिए उनका तो लग रहा है मुझे आ भी नहीं रही है, पेट इतना मोटा हो गया उनका खा खा के। और ये देखो, और ये देखिए लग भी नहीं, पैड की जो जो बीच में होता है ना ये फिट, जैसे मैंने अपने एक रोकने के लिए इसको क्लिप लगा रखे, वो आ भी नहीं है। देखो ये देखिए, ये देखो, और संदीप भाई कूद के पहले से पहुंच चुके हैं उसमें, ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ये हमारे राष्ट्र तिरंगा, और इसको करते हैं बैठ के इसके अंदर, और फिर मारते हैं एक राउंड और आते हैं हम उसके बाद। और ये देखिए, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, फिर भी पास में आके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए, ये देखिए गैप, देखिए दोस्तों गैप नहीं आ रहा है। ये बोले मैं तेरी गांठ तोड़ दूंगा। और दोस्तों हमारे लिए एक स्पेशलिस्ट, और जो आप मैं बताने वाला हूँ, हमारे लिए जो ड्राइवर आया है वो आया है गोवा से, उनको भी हम बुलवाने वाले पहली बार, वो बोटिंग करेंगे, ड्राइविंग करके हमारी बोटिंग की। चलिए, और देखो अभी भी बैठा है, अब ये देखिएगा दादा आए हैं यहाँ पे लग फिट करने के लिए। अब देखो अब होगा फिट, देखो दादा अब होगी जबरदस्त फिट हो गया। देखो आप डूबने से बच जाएंगे, अगर गिर भी गए तो आप डूबेंगे नहीं। और तुम आओ ना यार, और देखो संदीप भी, देखो हरदा तुम आओ ना यार, तुम आओ लेकिन यार ड्रिंक के से मस्त। चलिए हम भी चलते हैं बोट पे, हिला हिलर जुलर समुद्र सा झोंका। इस समय हम खड़े हो गए हैं बोटिंग में, और हमारे जितने भी सहपाठी हैं सभी लोग देखो बोटिंग में इसमें बैठ चुके, और एक बोट यहाँ पे बोटिंग करके वापस आ चुकी है, और हमारा अभी ड्राइवर जो है इस समय नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इस समय खड़े हुए हैं। काफी देर हो गई हमें यहाँ पे खड़े हुए, और मूड डिस्टर्ब हो रहा है। और चल लिए दोस्तों, अब इस हमारे ड्राइवर साहब आ चुके हैं, और ये गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी, और हम चलने वाले हैं अब इस समय। और एकदम विकट झुलसवाई काले कसोले जैसे पैसेंजर्स के लग रहे हैं, मरुण काले काले। और संदीप देखो डैम तक दिखाना है, और ये देखिए स्पीड पकड़ने वाली। अब दोस्तों हमारी राइड चालू, और अब देखिए अब चलाओ टन टन। आप देखिए पानी की लहर फुलकार,
जा रहे हैं, वो उड़ती उड़ती हुई हमारी बोट आगे बढ़ती हुई जा रही है, धोली की माफिक तेज और धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ छड़ा छड़ छड़ चले जा रही है। लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारी बोटिंग कंप्लीट हो चुकी है और कम से कम 10 से 15 मिनट की बोटिंग हमारी कंप्लीट होने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने बोटिंग स्टैंड पे। लीजिए दोस्तों, और अब हम अपने स्टैंड पे उतरने वाले हैं। ये सभी लोग देखो, संदीप भाई सबसे पहले, और इसी के साथ हरदा का धन्यवाद हमें बोटिंग कराई। आप फोटो आपके जरूर खींचेंगे, हम अभी 2 मिनट रुकिए, प्रेमदा अभी फोटो खींचेंगे जाते हुए। और चलिए आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, और हमारी बोटिंग कंप्लीट हो गई। बोटिंग के अपने अपनी जैकेट उतारते हुए इसको बलता रहे को, ये देखिए अब पहुंच चुके हैं हम ले, एकदम उतार उतार के गुस्से में सबने अपनी जैकेट फेंक दी, और मेरी भी उतार दो कोई यार, मेरी भी उतार दो, मेरी भी। लीजिए दोस्तों, बोटिंग हुई कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, और सभी लोगों ने हरदा मजा आ गया, बहुत-बहुत धन्यवाद, एकदम मजा आ गया, धन्यवाद सभी लोगों ने, हरदा का किया धन्यवाद। और अब हम चल रहे हैं ऊपर की साइड पहुंचने वाले, और मिलेंगे बागेश्वर, और हमारे प्रधान जी ने देखिए हरदा से गैलन भी ले ली तेल के लिए, पता नहीं क्या करेंगे, क्या भरने वाले हैं इसमें, कच्ची की दारू भरेंगे, पता नहीं कच्ची वाली बात, और देखिए तेल के लिए नहीं, कच्ची भरने वाले हैं इसमें।